हेलो हेलो एवरीवन, आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। मैं एक अच्छी रेसिपी आप सबको शेयर करने जा रही हूँ, हेल्दी सैंडविच। आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। मेरी आवाज आ रही है? आप कोई कमेंट करके बताइए मुझे। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा झा लखनऊ से। मैं आज अपनी अमूल लाइव में जो रेसिपी बता रही हूँ वो हेल्दी सैंडविच है। आप वैसे तो सैंडविच खाते हैं, ब्रेड के ही खाते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि किसका हेल्दी सैंडविच बन सकता है, मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उसमें चीज़ भी यूज़ करूँगी और पनीर भी अमूल का। तो सबसे पहले तो मैं अमूल का और दीपा जी का थैंक्स कहना चाहूँगी, जो हमें वो इस प्लेटफॉर्म पे लाके हमें नई नई रेसिपी हम लोग शेयर करते हैं और दूसरों से भी सीखते हैं नई नई रेसिपी। और छोटी छोटी जो हम लोग चीजें सीखते हैं वो दूसरों को देख के भी हमें पता चलता है कि हाँ ये हम नहीं करते हैं। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हम एक दूसरे से चीजें रेसिपी के बारे में पता चलती है कि हम ऐसे बनाते हैं तो वो उसने ऐसी बताई थी। तो कई चीजें हमें ये प्लेटफॉर्म पे पता चलती हैं। सिंपल रेसिपी होती है लेकिन कई चीजों में एक दूसरे की चीजों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसका टेस्ट का अंतर होता है, उसके हाथ का अंतर होता है, सब चीजें। तो मैं उसको थैंक्स कहना चाहूंगी, अमूल और अमूल की टीम को, जिन्होंने हम लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया है, होम शेफ को, होम बेकर्स को, जो कि हम लोग इस पे आके अपनी रेसिपी दिखाते हैं। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ, जो मेरी है हेल्दी चीज सैंडविच। तो मैं आज इसको, आप सोचिए, ब्रेड से तो बनाऊंगी नहीं मैं। ब्रेड सैंडविच तो आपने बहुत खाए हैं तो ब्रेड का मैं यूज करना ही नहीं है मुझे। तो मैं आज इसको मूंग की दाल से सैंडविच को दूंगी, जो उसका लुक दूंगी वो सैंडविच के मूंग की दाल को यूज करके ही दूंगी। तो मैंने मूंग की दाल को लिया है, जो कि मैंने 2 3 4 घंटे इसको भिगो दिया था। और इसमें हरी मिर्च, नमक अभी डालूंगी मैं, हरी मिर्च और अदरक डाल के मैंने पेस्ट बना लिया इसका। तो ये इसको मैं अब इसका ही सैंडविच यूज करूंगी। और ये मेरी सारी सब्जियां हैं जो कि मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। आप इसको हेल्दी बनाएं तो आप जितनी सब्जियां डाल सकते हैं वो डालिए, ये आपके ऊपर है कि बच्चे आपके क्या क्या पसंद करते हैं, कौन सी सब्जी यूज करते हैं, खाना पसंद करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं सैंडविच ये सब्जियां करूंगी और मैं ये सैंडविच मेकर में बनाऊंगी, सैंडविच आपका मूंग की दाल का। तो इसमें मैं सबसे पहले नमक डालूंगी और मसाले डालूंगी और सब्जियां यूज करूंगी। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट अनुसार। मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ, हमारे यहाँ घर में हर समय सेंधा ही यूज होता है। बस अचार के लिए हम लोग वैसा टाटा सॉल्ट यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्दी आपको नमक का भी ध्यान रखना है, अपनी उसकी सेहत के लिए जरूरी है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। हींग लिया है मैंने, भुना जीरा लिया है, गरम मसाला है और लाल मिर्च है, चाट मसाला। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालूंगी, जैसे ये मैंने पत्ता गोभी बारीक काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको डालूंगी, शिमला मिर्च, प्याज। आपको जितनी सब्जियां डालनी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा कम जैसे भी आपको डालनी है। गाजर, गाजर भी मैंने क्रश करके रखी है, बारीक बारीक काट के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मुंह में आएंगे तो बच्चे हमारे सब्जियां नहीं खाते हैं, इसलिए बारीक बारीक यूज करिए तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है।
हेलो मीनू जी, मेरा ये बैटर मूंग की दाल के चीले उसका सैंडविच का रेडी हो गया है। अब मुझे एक फिलिंग मैं उसके अंदर करूंगी सैंडविच के अंदर, तो मैं कॉर्न और चीज की और पनीर की करूंगी फिलिंग उसके अंदर। तो मैंने इधर एक साइड रख दिया है, ये कॉर्न लिया मैंने, हाफ कॉर्न लिया है मैंने, इसमें से थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे जो बैटर है उसके, इसमें थोड़ा सा नमक और मैंने मिक्स हर्ब यूज किया है, थोड़ा सा मिक्स हर्ब लाल मिर्च इसमें कॉर्न में मिला दूंगी। और ये हम पनीर यूज करेंगे अमूल का, जो कि हमको अच्छा फ्लेवर देगा इसमें सैंडविच में। तो हम इसको मैश भी कर सकते हैं, इसको ये भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल लगा के रखा है जिससे आपका ये चिपकेगा नहीं, चाहे आप पनीर करिए चाहे चीज करिए, आप क्रश करेंगे आपकी कभी चीज चिपकेगी नहीं। तो ये मैं इस पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लूंगी और चीज भी क्रश कर लूंगी जिससे मैं इसमें डाल सकूं। और अमूल का ही मैं चीज यूज कर रही हूं, आप ये सैंडविच जरूर बना के देखिए, क्योंकि ब्रेड के तो सभी बच्चे खा लेते हैं और आप कोई भी चीज डाल के उसको तरह तरह के यूज कर सकती हैं, लेकिन ये सबसे हेल्दी है। आप उसके बहाने से बच्चे ये दाल को मूंग की दाल के या और भी दालें आप थोड़ी सी इसमें मिक्स करके भी बना सकते हैं। और मेरा ये थोड़ा सा चीज इसमें भी से यूज कर लिया है, चीज और पनीर मैंने दोनों मिक्स कर दिए। मैं इधर थोड़ा सा हाथ का यूज करूंगी, साफ करके ही मैंने हाथ, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं तो सबसे पहले ये सब चीजें बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथ साफ है कि नहीं, और बीच बीच में 10 बार हम लोग को हाथ धोने पड़ते हैं। इसको मिक्स किया मैंने, एक साइड मैंने इसको ऑन कर ही दे रही हूं सैंडविच मेकर को, ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको मैं बीच में फिलिंग करूंगी जो हमारा मूंग की दाल का सैंडविच बनेगा। हाँ जी मीनू जी, हेल्दी सैंडविच। आप सब जानते ही हैं अमूल के प्रोडक्ट जो सारे हैं सब ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में शुरुआती सुबह की चाय से होती है। तो अमूल के प्रोडक्ट तो हर किसी में हर घर में यूज करता है, कोई ना कोई किसी फॉर्म में करता है, कोई पनीर को यूज करता है, कोई दूध यूज करता है, तो उसके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं सभी जानते हैं। अब मैं ये बैटर को पहले फैलाऊंगी, पहले थोड़ा सा घी डालूंगी, आपको दिख रहा होगा सबको, हाँ।
चाहें तो इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि ठीक है, बाद में फिर वो पकड़ने में दिक्कत होगी। ये अमूल का घी है, मैं इसके चारों तरफ यूज कर रही हूँ थोड़ा सा डाल के। अब ये फिलिंग इसके बीच में डाल दूंगी। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे सैंडविच की तरह। बनने के बाद बहुत टेस्टी लगेगा आपको और बच्चे भी खा जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये मूंग की दाल का सैंडविच खा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का घी लगा दे रही हूँ ना ऊपर से, और इसको बंद कर दूंगी 2 मिनट के लिए। आप इसमें और भी सब्जियां यूज कर सकते हैं, मटर है, किसी को मटर अच्छी लगती है, गोभी है, छोटे छोटे बारीक आप यूज कर सकते हैं अगर पसंद है तो, काफी चीजें यूज कर सकते हैं आप। हेल्दी सैंडविच है, आप इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल और कोई दाल आप मिलाना चाहें, वैसे तो हेल्दी होती है मूंग की दाल, इसमें आप छिलके वाली मूंग की दाल भी थोड़ी सी यूज कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने मूंग की दाल ही जल्दी से भिगो के और यूज की है। वैसे आप उसमें मूंग की दाल छिलके वाली भी यूज कर सकते हैं, वो भी हेल्दी होती है, ज्यादा ही हेल्दी होती है क्योंकि वो छिलका सहित होती है। थोड़ा सा देखूंगी, हेलो हरिता जी, इशिता हेलो, आप इसको अप्पे स्टैंड में भी बना सकते हैं। आप इसको अप्पे स्टैंड में थोड़ा सा नियर लगा के फिर उसको स्टफिंग करके फिर ऊपर से उसको स्टफ करके अप्पे में भी यूज कर सकते हैं, अप्पे में भी बना के आप बना सकते हैं उसको हेल्दी अप्पे की तरह। देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। थोड़ा सा और मैं कलर थोड़ा सा ब्राउन और दूंगी। मेरे सैंडविच का आपको और डार्क करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे सही लग रहा है। अब बच्चों को इसमें आप ज्यादा और चीज भरना चाहें और चीज डाल सकते हैं, बच्चों को फिर चीज का काट के देंगे तो बिल्कुल निकलेगी। आपको जितनी चीज डालनी है बच्चों के लिए डाल सकते हैं। मैंने टाइम
कि उसकी वजह से मैंने मूंग की दाल पीस के रखी, नहीं तो आपको सभी लोग ये सब काम कर लेते हैं मूंग की दाल वगैरह का, तो इसलिए मैंने ये रेडी करके रखा बैटर। बैटर अपने हिसाब से आप कम या पतला गाढ़ा जितना आप चाहें उस हिसाब से डाल लीजिए, जो कि हमें सैंडविच में फ्लोइंग, ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का सा गाढ़ा ही चाहिए। जब तक मैं एक और बनाती हूँ, देखिए ये सैंडविच बना है मूंग की दाल का, एक और बनाऊंगी मैं। कोई भी सैंडविच मेकर में आप बना सकते हैं, ये मेरे पास ऐसा था ग्रिल वाला, तो मुझे यही लगा कि ये अच्छा है। इसमें जो हमारे ग्रिल के निशान आते हैं ना, वो सैंडविच में बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इसको यूज किया है। ऊपर से कवर कर देंगे इसको फिर से। इसको फिर से मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ये मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी, अभी पहले एक बन जाए और उसके बाद मैं प्लेटिंग करूंगी, आपको बताऊंगी कैसे। आप सबको कैसा लगा आप बताइए अपने कमेंट्स। हेलो अंजू, हेलो विनीता जी, थैंक यू मीनू जी। आप फिलिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि इसकी बाकी सब्जियां हमने उसमें डाल दी बैटर में, तो कॉर्न का ज्यादा अच्छा लगता है, सैंडविच हम लोग कॉर्न के खाते हैं, तो इस वजह से मैंने कॉर्न और चीज और पनीर की फिलिंग यूज करी है इसमें। थोड़ा सा और होने दूंगी, मैं इसको थोड़ा सा आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए आप जितना चीज डालेंगे उतना है, मैंने कम डाली है तो आपको ज्यादा नहीं, अगर आपको ज्यादा डालना है, लेकिन सैंडविच का पूरा लेयर आया है और पक भी अच्छे से गया है अंदर वाली फिलिंग। आप इसको चाहे किसी भी चटनी से खाइए, ये मेरा हो गया है दूसरा भी। ग
गरम है अभी इसीलिए, नहीं तो आराम से निकलेगा। मेरा ये हेल्दी सैंडविच कैसा लगा आप सब एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और बना के जरूर देखिएगा, बच्चों को जरूर खिलाइएगा। ना इसमें मैंने आलू का यूज किया है ना किसी वैसी चीज का जो कि बच्चे सैंडविच में आलू और चीजें तो खाती हैं, पर ये हेल्दी। मेरे ये सैंडविच रेडी हो गए, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे हेल्दी सैंडविच रेडी हो गए हैं, आप सब इसको जरूर बनाइएगा। और जिन सब लोगों ने ज्वाइन किया उसका थैंक्स, उन सबको थैंक्स, और रेसिपी को जरूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। थैंक यू सो मच अमूल एंड दीपा जी। मैं अपना फिनिश करती हूँ लाइव।